दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एक फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल्स ग्रुप रिकमेंडेड पिवट टेबल्स की क्या उपयोगिता है, इसको कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, रिकमेंडेड पिवट टेबल यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने यह जो नया वर्जन लॉन्च किया हुआ है, इसमें यह ऑप्शन दिया जा रहा है। दोस्तों, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के विषय में जानकारी लेने से पहले मेरी राय आपके लिए यह होगी कि एक बार पिवट टेबल के विषय में जरूर जानकारी ले लें, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से बताया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए अपनी उस पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी हो जाएगी कि पिवट टेबल क्यों महत्वपूर्ण है और उसकी क्या उपयोगिता ली जा सकती है। आइए अब समझते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल के विषय में। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले यह जो टेबल है, इस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि यह वही टेबल है जिसको कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में यूज किया हुआ है। तो अब हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिकमेंडेड पिवट टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस तरह का एक मैसेज बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिस रेंज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वह रेंज इस समय आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम ओके की बटन पर क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने यह कुछ रेडीमेड पिवट टेबल्स के टेम्पलेट्स आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पर कई तरह के पिवट टेबल दिए हुए हैं। अब आपको इसमें से जो भी पिवट टेबल पसंद आता है, आप उसको सेलेक्ट करके ओके की बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके की बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया पिवट टेबल आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इस टेम्पलेट को सेलेक्ट किया और ओके की बटन पर क्लिक कर दिया, यह एक नई सीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट हो गई और उसके बाद यह एक पिवट टेबल आपके सामने तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब अपने जरूरत के आधार पर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने डाटा को आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे अनुसार शुरुआती दौर में यह जो रिकमेंडेड पिवट टेबल्स है, इसकी उपयोगिता कुछ खास नहीं लगती है। पिवट टेबल्स के माध्यम से हम अपने तरीके से टेबल को बना सकते हैं, उसके जरिए हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानकारी ले रहे हैं और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नया वर्जन है, जैसे एमएस ऑफिस 365 या 2016, 2018 या 2019 आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह रिकमेंडेड पिवट टेबल्स दिया हुआ है, तो उसका उपयोग कैसे करना है यह आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यह वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दी है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ में आपको बेल आइकन जरूर क्लिक करना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर कर दें एक जोरदार क्लिक और निश्चित रूप से आपके दोस्तों को, आपके अपनों को इस वीडियो में दी गई जानकारी होनी ही चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं यह जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके अपनों तक पहुंचे, तो इस वीडियो के नीचे जो शेयर की बटन बनी है, उस पर क्लिक करके अपने सोशल अकाउंट के साथ, अपने दोस्तों, अपने अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर, हमारे इस चैनल को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।